नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। बात कर रहा हूँ जो घर के अंदर कलेश हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कैसे ख़त्म करें, नंबर एक। नंबर दो, घर में सुख शांति को कैसे बढ़ाएं, और नंबर तीन, घर के लोगों को मन की शांति कैसे मिले, और आपको करना क्या है। बड़ा सिंपल से उपाय है, बड़े छोटे सीधे मुद्दे पे आते हैं। सुबह जैसे आँख खुलती है ना, सबसे पहले आँख खुलते ही, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, आँख खुलते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखा करो। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, और मध्य में सरस्वती जी का, और मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो सुबह उठते ही हाथों को देखने से आपको पूरा दिन बढ़िया निकलेगा, मन शांत रहेगा। नंबर दो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप पानी की मात्रा बढ़ाएं थोड़ी, और एक आपने सुबह उठ करके जल ज़रूर पीना, हो सके तो थोड़ा गर्म पानी पिया करें। जब उठने के बाद जब हाथ देखते हो, हाथ देखने के पश्चात आपने क्या करना है, धरती माता को नमस्कार करना है, अपने भगवान को नमस्कार करना है, गुरुजनों को नमस्कार करना है, माता पिता अगर विदेश में रहते हैं या आप विदेश में रहते हैं तो माता पिता को प्रणाम करना है, और घर में उसके बाद में अगर माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनके अगर आप पैरी हाथ लगाते हो, आप यकीन मानना माता के जैसे ही पैरी हाथ लगाओगे चंद्रमा ठीक हो जाएगा, पिता के जैसे ही हाथ लगाओगे सूर्य ठीक हो जाएगा। इसके बाद में आप घर के अंदर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जरूर किया करें, हो सके तो लोबान और गुग्गल मिला हुआ पाउडर जो होता है उसका आप घर में धुआं करेंगे तो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो, नेगेटिव एनर्जी मतलब जो कलह क्लेश हो रहा होता है। ये उपाय जरूर नहीं सारे लोग करो, घर का कोई एक मेंबर तो कम से कम कर लो, उपाय करोगे तो रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद घर में बहुत लोगों के अंदर ना चिड़चिड़ापन बहुत, गुस्सा बहुत रहता है, उनके घर में एक तो तुलसी का हरा भरा बढ़िया पेड़ होना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के सामने हो या घर के आंगन के बीच में हो। उसके बाद अगर तुलसी के पत्ते एक महीना लगातार यदि किसी घर में चाय दूध कॉफ़ी खाने पीने में अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं, खाने पीने में ले लेते हैं ना, संडे को वैसे तुलसी नहीं तोड़ते, रविवार के दिन शनिवार तोड़ करके आप अपने फ्रिज में या घर में या गीले कपड़े में लपेट के रख सकते हो। तुलसी के पत्ते यदि आप रोजाना यूज करते रहोगे तो बहुत सफलता मिलेगी, मन शांत हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। बीमारियां बहुत ज्यादा अगर घर में चल रही होती तो क्या करोगे, छाया पत्र का दान करवाते रहा करो। छाया पत्र मतलब स्टील की कटोरी में तेल भरो, मुंह देखो, चेहरा देखो, दान कर दो शनि मंदिर में, या जो तेल मांगने वाले कोई भक्त आते हैं उनको दान कर दो। अगर आप ये उपाय करते रहते हो, इसके बाद क्या होता है, घर में अगर सास है बहू के साथ झगड़ा ना करे, बहू है तो सास के साथ झगड़ा ना करे, शांत रहे। आपके पड़ोसियों के साथ यदि आप, यकीन मानना यदि पड़ोसी के साथ नहीं बना के रखते ना, आपके 9 में से 5 ग्रह तो पक्का खराब हो जाते हैं, आपका यश खत्म हो जाता है, लक्ष्मी घर में आती आती रह जाती है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस आपका सबसे पहले सदस्य आपके सुख दुख में आने वाले पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी से आपके विचार नहीं मिलते, ये सबसे गलत काम है। आपके और किसी से मिले ना मिले लेकिन पड़ोसी के साथ तो घर में पहले बना के रखो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बातें बड़ी छोटी 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 बातें हैं, गाय को यदि रोटी और कुत्ते को रोटी जिस घर से रोज जाती रहे, और आजकल ठीक है कलयुग है नहीं समय मिलता, रोज नहीं जाती तो कभी सुबह नहीं जाती तो शाम को डाल दो, शाम को नहीं समय मिलता सुबह डाल दो, रोज नहीं डाल सकते तो हफ्ते में एक दिन तो डाल दो, कम से कम शनिवार या संडे एतवार के दिन कभी तो डालो, रिजल्ट कुछ और ही मिलेंगे आपको, बड़ा जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, आप इन उपायों को करके घर में सुख शांति ला सकते हैं, बरकत ला सकते हैं, मन की शांति ला सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ज़्यादातर नज़र लगी होती है घर के बच्चों को, बड़ों को, कोई भी कोई अच्छा काम होता है नज़र लग जाती है, तो नज़र जरूर उतारते रहा करो, जैसे हमारे पुराने दादी माँ नानी माँ उतारती थी, रुई की बत्ती से उतार दी, नमक से उतार दी, कोई मिर्ची से उतार दी, जैसे भी आपको आती है, क्योंकि नज़र का उपाय आप मेरा देखेंगे तो दूसरा वीडियो देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा एस्ट्रोफ्रेंड नारायण नारायण नज़र के उपाय, या डॉक्टर नारायण नज़र के उपाय डालेंगे तो आ जाएगा। पॉइंट क्या है कि आप साथ के साथ नज़र उतारते रहेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लेवल, आपके चक्र जितने भी हैं सातों चक्र ठीक होते रहेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, नारायण जी को फॉलो करते रहिएगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा के, ताकि रोज़ आपको मैसेज मिल जाया करेगा। और रोज़ाना अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं डेली राशिफल के लिए, टिप्स के लिए, तो नारायण भविष्यवाणी फेसबुक पेज पर, नारायण एस्ट्रो इंडिया फेसबुक पेज पर, नारायण एस्ट्रो इंडिया
और इसके अलावा एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण के नाम से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।